आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। कर्नाटक में फिर से नाइट कर्फ्यू। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए नए साल के जश्न के दौरान कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने कोविड गाइडलाइंस जारी की है, जिसके तहत 28 दिसंबर 2021 मंगलवार से 7 जनवरी 2022 रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक राज्य भर में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा और 30 दिसंबर 2021 से 2 जनवरी 2022 तक सभी रेस्टोरेंट, होटल, क्लब, पब्स में कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए अपनी 50% बैठने की क्षमता के साथ कार्य करेंगे। सभी कर्मचारियों के पास RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा और कोविड-19 टीके के दोनों डोज ली होनी चाहिए। शादियों सहित सभी सभा समारोह सम्मेलनों में 300 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते और आयोजन के दौरान नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र और केरल राज्य से सटे सभी सीमावर्ती जिलों में गहन गश्त और निगरानी होगी ताकि राज्य में कोविड-19 विशेष रूप से ओमिक्रॉन प्रकार के प्रसार को रोका जा सके। नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अलावा IPC की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई और लागू होने वाले अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। बीजापुर समय की पूरी टीम की ओर से हम भी आप सभी से ये अपील करते हैं कि सरकार द्वारा जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना के फैलाव को रोकने में सरकार की मदद करके एक अच्छे नागरिक बने। फूड, ग्रोसरी, राव, चिकन, मटन, फिश, वेजिटेबल्स, फ्रूट, जूस, मिठाई, मेडिसिन, चाय और पान भी, वो भी अपने मनपसंद शॉप से सिर्फ 30 मिनट में अपने घर तक। अरे वाह, मैं तो अभी ऑर्डर करती हूँ। क्या बताया, आपका नाम भी गोस। तुम इस ऐप के बारे में किसी को मत बताना। सुना आपने, किसी को मत बताना। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।